आश्रम वासिक पर्व। कुंती आदि स्त्रियों का तथा भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र और गांधारी के अनुकूल बर्ताव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामह महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव करते थे? राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराश्रय हो गए थे। ऐसी अवस्था में किस प्रकार वे दोनों जीवन व्यतीत करते थे? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विदुर, संजय तथा युयुत्सु ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जा उनके चरणों में प्रणाम करते और कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे। धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघकर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते तब वे आकर और सब काम देखा करते थे। कुंती भी सदा गांधारी की सेवा में लगी रहती थी। द्रौपदी, सुभद्रा तथा पांडवों की अन्य स्त्रियां कुंती और गांधारी दोनों सासों की समान भाव से सेवा किया करती थी। भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देवऋषि, पितृ और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामंतों से सिद्ध हो जाया करते थे। वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राण दान देकर छोड़ देते थे। किंतु राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे। राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की भांति ही रसोई के काम में निपुण आरालिक, सूपकार और राग खांडविक मौजूद रहते थे। भिन्न-भिन्न देशों से जो-जो राजा वहां एकत्रित होते थे, वे सब पहले की ही भांति राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, नागकन्या उलूपी, देवी चित्रांगदा, धृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री, ये सब तथा दूसरी बहुत सी स्त्रियां गांधारी की सेवा में दासी की भांति लगी रहती थी। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है, तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव न करना जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो। भीमसेन को छोड़कर अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे। वीरवर भीमसेन के हृदय से कभी भी यह बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वह धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित होकर धृतराष्ट्र पूर्ववत ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर में क्रूरता का नाम भी नहीं था। वे अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे, राजा धृतराष्ट्र मेरे और आप लोगों के माननीय हैं। जो इनकी आज्ञा में रहेगा वह मेरा सुहृद होगा और जो इनके विपरीत आचरण करेगा वह मेरे दंड का भागी होगा। पिता पितामह आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों और हितैषियों के श्राद्ध कर्म में
महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहते थे उतना ही करते थे। वे ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत सा धन देते थे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कामों में उनका साथ देते थे। अपने पुत्रों की जीवितावस्था में उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे अब भी उन्हें मिलते रहे, इस बात का पांडवों ने पूरा प्रबंध किया था। इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर का कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद बर्ताव देखकर धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे तथा गांधारी देवी भी उन पर अपने सगे पुत्रों जैसा स्नेह करती थी। राजा धृतराष्ट्र अथवा गांधारी देवी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कहती उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके युधिष्ठिर वह सारा कार्य पूर्ण करते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान, संध्या एवं गायत्री जप से निवृत्त होकर वे पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद दिया करते थे। वे ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अग्नि में हवन करने के पश्चात सदा यह शुभ कामना करते थे कि पांडु के पुत्र दीर्घजीवी हों। युधिष्ठिर अपने सत बर्ताव के कारण सभी के प्रिय हो गए थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी उसको भुलाकर वे उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अनुचित कार्यों की चर्चा नहीं करता था। राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी अजात शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे, किंतु भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था। यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार ही चलते थे, तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना हो जाया करती थी। उनका हृदय सदा धृतराष्ट्र से विमुख ही रहता था।